हैदराबाद सिटी पुलिस से एक डिसीशन ले लिया, 24 आवर्स शॉप्स खोलना इन रमजान महीने में, होली रमजान महीने में, वो 16th और 17th डिपेंड अपॉन मून साइट शुरू हो रहा है। उसी टाइम में एक महीना चबूतरा ऑपरेशन, गार्डन से ऑपरेशन, ये पूरा बंद करेंगे। लेकिन कई कॉलोनी से हमको रिक्वेस्ट गुजारिश आया, तो रात में कब्रिस्तान में अर्ली मॉर्निंग घूम रहे, थोड़ा न्यूसेंस कर रहे, लड़कियों को छेड़ रहे। ये कामाटीपुरा, कुमारवाड़ी, मिश्रीगंज, मोइनपुरा, गाजीबंडा, ये एरिया में अर्ली मॉर्निंग से अभी तक गार्डन सर्च ऑपरेशन, 250 मेंबर्स, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन, एसीपी चारनार, एसीपी पलकनामा जानिब से कर दिया। अभी तक 72 व्हीकल्स सीज कर दिया, जो करेक्ट पेपर्स नहीं दिखाने में, और 25 सस्पेक्ट्स, इसमें 10 राउडी शीटर्स एंड 15 सस्पेक्ट्स को भी हम कस्टडी में ले गए। इसमें नोटोरियस राउडी शीटर गैंगस्टर अयूब खान भी थे, क्योंकि अयूब खान पीडी एक्ट में रिलीज होने के बाद तो छोटा मोटा सिविल इश्यूज में वो इंटरफेयर करके लास्ट वीक में 3 केसेस में इनको गिरफ्तार कर दिया। हम कंटिन्यूसली काउंसलिंग कर रहे हैं, अयूब खान हो, अयूब खान का फॉलोअर्स मोहम्मद गौस, कुछ लोग गए, अभी नया लोग स्टार्ट हो गया, उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया। हम सीरियसली वार्निंग कर रहा हूँ, पुराना शहर बहुत बहुत क्राइम रेट में कम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मर्डर्स नहीं है। इस साल में एक चेन स्नैचिंग भी रिपोर्ट हुआ है, बहुत अच्छा नाम आ रहे हैं, पेडेस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स आ रहे हैं, 4-5 राउडी शीटर्स बुरा एक्टिविटीज़ करके वो पुराना शहर को बुरा नाम ला रहे हैं। उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे, कम्युनिटी चाह रहे हैं, हम तमाम लोग अपने बच्चों को लड़कियों को अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए गार्डन सर्च के लिए रिक्वेस्ट करा, और 2-3 रमजान पहले और 2-3 गार्डन सर्च करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। ये गार्डन सर्च में नॉर्मल लोग को कोई डिस्कम्फर्ट तकलीफ नहीं होता, ओनली जियो टैगिंग, जो राउडी शीटर्स, जो सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्ट प्लेसेस है वो हम कर रहे हैं। सो ये व्हीकल्स जो करेक्ट डॉक्यूमेंट देते हैं उनको इमिडिएटली तुरंत दे जाता है, इमिडिएटली देता हूँ, और ये फिंगर प्रिंटिंग में जो सस्पेक्ट्स है, कोई केसेस का इन्वॉल्वमेंट है, ज़रूरत है, हम देखने के बाद एक्शन ले लेंगे।